भाइयों और बहनों, मैं बहुत ईमानदारी से, बहुत परिश्रम से, दिन रात एक करके आपकी सेवा में जुटा हूं। आप ही मेरा परिवार है, आपकी खुशहाली यही मेरा कर्तव्य है। लेकिन क्योंकि मैं कांग्रेस और उसके महामिलावटी साथियों को उनकी मनमानी नहीं करने देता, उनके भ्रष्टाचार को रोकता हूं, उनके वंशवाद को चुनौती देता हूं, इसलिए ये लोग बार बार प्रेम 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 का नकाब पहनकर मुझे गालियां देते रहते हैं। इनके प्रेम की डिक्शनरी में इस गरीब मां के बेटे के लिए, इस चाय वाले के लिए, किस तरह का प्यार उमड़ा है, कैसे ये प्यार जताने में एक दूसरे से होड़ लगाते हैं, ये भी मैं आज अपने घर आया हूं, हरियाणा आया हूं। कुरुक्षेत्र सत्य की भूमि है, वहां आया हूं तो मैं आज कुरुक्षेत्र की इस धरती से देशवासियों को खुद बताना चाहता हूं। ये इनकी प्रेम की डिक्शनरी क्या है, उनकी प्रेम की डिक्शनरी में शब्द कौन से हैं? ये प्रेम वर्षा मोदी पर कैसी करते हैं? सुनाओ साथियों, कांग्रेस के एक नेता ने मुझे गंदी नाली का कीड़ा कहा, तो दूसरा मुझे गंगू तेली कहने आ गया। इनके एक नेता ने मुझे पागल कुत्ता कहा, तो दूसरा नेता सामने आया और मुझे बसमासूर की उपाधि दे दी। कांग्रेस के एक और नेता है, देश के विदेश मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने मुझे बंदर कहा। इनके और एक मंत्री ने मुझे वायरस कहा, तो दूसरे ने दाऊद इब्राहिम का दर्जा दे दिया। इनके एक नेता ने मुझे हिटलर कहा, तो दूसरे ने मुझे बदतमीज नालायक बेटा कहा। इतना ही नहीं, मुझे रैबीज बीमारी से पीड़ित बंदर बोला गया, चूहा बोला गया, लहू पुरुष बोला गया, असत्य का सौदागर बोला गया। साथियों, कांग्रेस के नेताओं ने मुझे रावण, सांप, बिच्छू, गंदा आदमी, जहर बोलने वाला तक बोला। कांग्रेस के नेता जिसके सामने नतमस्तक है, उन्होंने भी मुझे मौत का सौदागर कहा। ये इनका प्रेम करने का तरीका है, ये इनकी प्रेम की डिक्शनरी है, ये मुझ पर हो रहा प्रेम वर्षा का ये सैंपल है। और भाइयों बहनों, सुनिए, जरा देश सुन रहा है, सुने, भाइयों बहनों,
इनकी ख्वाहिश तो, इनकी सोच तो है मोदी की बोटी बोटी करने की भी रही है। खुलेआम मेरे खिलाफ मोदी की बोटी बोटी करने का घोषणा करने वालों को कांग्रेस ने हमेशा आगे बढ़ाया है, चुनाव में टिकट देकर उनका मनोबल भी बढ़ाया है, क्योंकि वो मोदी की बोटी बोटी करना चाहते हैं। मुझे पता है कि सार्वजनिक मंच से इस तरह के शब्द बोलना सही नहीं है। परिवार में भी छोटे छोटे बच्चे 8वीं 10वीं 12वीं कक्षा में जाने वाले बच्चे, कॉलेज के छात्र छात्राएं, वो भी आज ये सब सुन रहे हैं। इस तरह की भाषा उन बच्चों ने न सुननी चाहिए न सीखनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस के नामदार जिस तरह अपने प्रेम की डिक्शनरी दिखा रहे हैं, और कोई, ये बड़ी देश की लोकतंत्र की मजा देखिए, कोई उन पर सवाल नहीं उठा रहा है। इसलिए आज मैं देश के सामने सारी सच्चाई रख रहा हूं। भाइयों और बहनों, मुझे गाली देते हुए इन लोगों ने कितनी बार मर्यादा तार तार की है, ये भी इनकी प्रेम वाली डिक्शनरी से पता चलता है। और साथियों, अब जो शब्द मैं आपको गिनाने जा रहा हूं, वो भी सब नहीं, थोड़े बहुत सैंपल, अब वो शब्द मैं गिनाने जा रहा हूं, ये सारे, ये चाय वाला प्रधानमंत्री बना उसके बाद बोले गए हैं। ये दावा करते हैं कि ये प्रधानमंत्री पद की बहुत इज्जत करते हैं, बहुत सम्मान देते हैं, इसलिए उन्होंने मुझे प्रधानमंत्री बनने के बाद क्या क्या उपहार दिया है, कैसी प्रेम वर्षा की है, कैसी सौगातें दी है। मैं आज मेरे अपने घर आया हूं तो मेरे देशवासियों को कुरुक्षेत्र की सत्य की इस धरती से फिर बताना चाहता हूं। ये सारे, ये चैप्टर नंबर 2, पीएम बनने के बाद का प्रेम, क्या बोला, मुझे बताया गया मोस्ट स्टूपिड पीएम कहा गया, मुझे कहा गया जवानों के खून का दलाल है। इनके प्रेम की डिक्शनरी से मेरे लिए गद्दाफी, मुसोलिनी, हिटलर ऐसे शब्द भी चलते ही रहते हैं। भाइयों और बहनों, इनके बड़े बड़े नेताओं ने मुझे मानसिक तौर पर बीमार बताया, नीच आदमी बताया, यहां तक कि ये भी पूछा गया कि मेरा पिता कौन थे ये नहीं मालूम, मेरे दादा कौन थे ये नहीं मालूम। साथियों, याद रखिएगा, मुझे ये सारे उपहार प्रधानमंत्री बनने के बाद इनकी प्रेम वर्षा निमित्त आज भी दिए जा रहे हैं। निकम्मा, नशेड़ी, औरंगजेब से भी क्रूर तानाशाह, अनपढ़, गंवार, नमक हराम, नालायक बेटा, तुगलक, नटवरलाल,
नकारा बेटा, सब कुछ ये प्रेम वर्षा। नामदार की और उसके साथियों की प्रेम वर्षा देखो। साथियों, इन लोगों ने मेरी मां को गाली दी, ये भी पूछा कि मेरा पिता कौन है। और याद रखिएगा, ये सब कुछ कहा गया मेरे प्रधानमंत्री बनने के बाद। बहुत अच्छे संस्कार हैं कांग्रेस और उनके नेताओं के।